और वार्ट वेलकम बैक गाय इस बारे में जीशान वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल होम ऑफ रिव्यूज टैक्टिक्स एंड ट्रांसफर टॉक्स एन आज भाई हम बात करने वाले हैं सैफ चैंपियनशिप की जहां पर इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान इन ग्रुप ए बाकी रेलिवेंस के लिए मैं आपको बता दू कि मैंने सेफ चैंपियनशिप के ऊपर बड़े डिटेल में एक वीडियो कवर किया है जहाँ पर मैंने जितने भी ग्रुप्स हैं दो ग्रुप्स हैं टोटल मिला के इनके सारी टीम्स के ऊपर मैंने डिटेल में बात किया है तो आपको मैं यहाँ पर कार्ड्स में लिंक कर दूँगा चेकआउट कर लेना उससे आपको पूरे सेफ चैम्पियशिप का एक डिटेल्स एनालिस मिल जाएगा बट ये वीडियो देख लो उसके बाद से वाला वीडियो आप देख लोगे तो

लाइक कर देना एंड देन वीडियो में हम आगे प्रोसीड करते हैं एंड बाय द वे डू लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट इंडियन फुटबॉल एज वेल ठीक है कॉमेंट्स में जरूर से बताना तो इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान भाई पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा था जिसकी वजह से वो 2021 ट्वेंटी वन साफ चैम्पियनशिप में खेल नहीं पाए थे आन इंडिया उस चैंपियनशिप को जीती थी अब इंडिया और पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग ड्राइवरी रही है यार ठीक है पॉलिटिकल तो रही रही है क्रिकेट में तो होती ही होती है बट अब फुटबॉल में भी है यार चौदह टाइम्स में से टेन टाइम्स इंडिया ने जीता है इस मैच को तो स्विंग करता है थोड़ा सा फेवर में इंडिया के यहाँ पर बट पाकिस्तान की अगर फुटबॉल के बारे में बात करूँ तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग टू वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल तो भाई ने पाकिस्तान फुटबॉल के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें

जो हमारी वुमेन्स टीम के जो कोच हैं वो यू एफ इज मोर क्वालिफाइड ऑब्वियसली यू एफ लाइसेंस उनके पास कोच है ठीक है वो चार पांच साल जो वुमेन्स टीम के जो कोच है वो चार पांच साल रह चुके हैं मतलब लामासिया में चार पांच साल उन्होंने गुजारे हैं वहां पे ठीक है नाउ बोथ ऑफ दीज कोचेस फिलोसफी के योहान क्रॉएफ को किसी तरह इंप्लीमेंट करना है अब शहजाद अनवर ने कितने मैचेस अभी तक मैनेज किए यस ही हैज बीन असिस्टेंट कोच ऑफ पाकिस्तान 2013 में जब हमने इंडिया के खिलाफ खेला हम वन हारे थे तब कोच कौन था केयर uh, टेकर के तौर पे शहजाद अनवर साहब आए थे मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंगली और वो अभी हमारे कोच हैं ठीक है सो नाउ वी हैव नाइन डैस प्राप्ले फिलोसफी शहजाद अनवर ये हो गया जी इंट्रोडक्शन अब जो नो डैश प्लेयर है उसमें से आपको मैं कैटेगोरिकली बता दूं कि एक डैस प्लेयर यानी कि रईस नबी दो साल से प्रॉपर फुटबॉल नहीं खेला हुआ वो ग्रीस की एकेडमी में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो अदनान याकूब है अठारह महीने में सिर्फ छह मैच खेला है मर के मर के छ मैच जिशान भाई को मुझसे बेहतर पता है कि अगर एक प्लेयर छह मैच खेल रहे अठारह महीने में कितनी मैच फिटनेस होगी उसकी मुझसे बेहतर पता है ठीक है बेशक डेजपुरा प्लेयर हो बेशक हो आपके लोकल प्लेयर्स पाकिस्तान के फुटसॉल खेलते हैं सेवन असाइड फाइव असाइड इन जो फुटसॉल पिचेस हमारी अभी नई बनती जा रही है इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा बन गई है बहुत ही ज्यादा बन गए इस्लाबाद में लेकिन खेले हैं। आ, हमारे लोकल प्लेयर्स ने बट देन अगेन इंडिया के प्लेयर्स बाईस मैच एटलीस्ट खेलते हैं आई में हमारे प्लेयर्स एक सब पर कप कॉम्पिटिशन में सात मैच खेल रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस होगा निशान भाई और आप मुझसे बेहतर जानते हैं यू नो फुटबॉल बेटर रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की सो so, भाई जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तान ने भाई पिछले जब से उन पे बैन हटाया नवंबर से उन्होंने सिर्फ टोटल मिला के चार पांच मैचेस खेले एंड फाइव मैचेस आर एंड इनफ टू बी एज कॉम्पिटिटिव एज इंडियन फुटबॉल टीम बिकॉज भाई हमारे भारतीय प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल मैचेस खेलते हैं पर ईयर में तुम देख सकते हो कि पाकिस्तान ने जो पिछले मैच खेला था डिजिबोटी के अगेंस्ट थ्री वन की लॉस थी उससे पहले उन्होंने केनिया के अगेंस्ट वन एल की लॉस ली मॉरिशस से थ्री थ्री निल की लॉस थी मालदीव से वन नल हारा पाकिस्तान ने दे आर विदाउट अ वन भाई ठीक है सिंपल इज दैट कॉम्पिटिशन इज नॉट अबाउट हु विल विन एंड हु विल लूज ये बात मैं हमेशा कह रहा हूँ भाई कि पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली ये फिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलेगा उनके प्लेयर्स अभी दे आर स्टार्टिंग टू प्ले फुटबॉल पाँच मैचेस खेले हैं ठीक है सो वॉट एम ट्राइंग टू से टू द फैंस ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल कि भाई डोंट जज द टीम परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर गेम एंड दिस टूर्नामेंट अभी यहां से आप बिल्ड कर रहे हो इट्स नॉट लाइक रश नहीं करना है डिसीजन मेकिंग में एंड सेम आई वुड से फॉर इंडियन फुटबॉल फैस इज वेल भाई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लोगे अगर आप पाकिस्तान को डिफीट कर दोगे भाई रैंकिंग वन नाइनटी फाइव के ऊपर है दो सौ टच कर रही है उनकी रैकिंग और हम लाइक हंड्रेड रैंक्स अपार्ट है उनसे ठीक है हमारा एम यहाँ पर होना चाहिए टू ट्राई टू गो ऑन एन विन यूर गेम्स एंड भाई यहाँ पर रूथलेसनेस दिखानी है अगर आप सुपीरियर हो पाकिस्तान फुटबॉल से तो वो आप पिच पर दिखाओ बट आई वुड एक्सपेक्ट हारमनी आर आई फील इन माई ओपिनियन जैसे ग्रो जो अगर हमें करना है अरे एशियन फुटबॉल में हम देख रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कितना ग्रो कर रही है एशिया में तो अगर हमें ग्रो करना है तो हमें अपने आस पास नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ग्रो कर रहे हैं आई वुड वॉन्ट इसी में बांग्लादेश टू तो डू वेरी वेल श्रीलंका ऑब्वियसली बैंड है वरना श्रीलंका भी इस टूर्नमेंट में होती आई uh, फील कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो टाइम लगेगा ग्रो करने में इट्स इट्स गन अभी ह्यूज इट्स ऐसा नहीं है कि एक साल में पाकिस्तान यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी इट्स एन एफर्ट इट्स अ वेरी बिग एफर्ट जो कि पाकिस्तान फेडरेशन को देना पड़ेगा अपने फुटबॉल को इम्प्रूव करने के लिए एंड प्लेइंग इन द साफ चैंपियनशिप इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट अगर इस पर्टिकुलर गेम की बात करें तो डेफिनेटली हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा मिलने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेनिंग इन मॉरिशियस एंड वहां से आने में उनको दिक्कत हो रही थी Finally, arrived, कोई नहीं। एक दिन पहले आए हैं yes, अब इंडिया वुड भी प्लेइंग अगेंस्ट दिन साढ़े बजे मैच है ट्वेंटी तारीख को आई विल नॉट ब लाइव कवर दिस गेम बिकॉज मैं ये मैच स्टेडियम से देख रहा हूँ लाइव एंड वहां से हम थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेंगे सो so जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए मिस आउट और सच कर उट द लाइन अपर सबसे इंपॉर्टेंटली भारत लाइनअप कैसे करे हमने देखा कि भारत के जो पिछले हुए, इंडिया अभी जस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीती है लेबनान के अगेंस्ट हमने एक बहुत ही बेहतरीन दी थी। मुझे लगता है और इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड रखा है ऑफ द क्लीन शीट सिक्स मैच में लगातार पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हम जीत लेते हैं एंड वी कीप अ क्लीन शीट तो हम वो रिकॉर्ड को भी कर देंगे एंड हमारी जो ये पार्टनरशिप है अनवार अली संदेश जिंगन भाई बहुत एपिक है इसके ऊपर मैंने अभी पिछले वीडियो में कवर किया था वॉट आई थिंक अबाउट इंडियन फुटबॉल एंड कैसे खेलते हैं आप मैं कार्ड्स में लिंक कर लूंगा आप उसको देख लेना अब आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर मैच के बारे में बात करेंगे सो so, लाइनअप क्या होगा देखो अभी जस्ट हमने फाइनल खेला है हमारे प्लेयर्स थोड़े से भाई थके होंगे ऑब्वियसली फिटीक होगा ट्रैवल करेंगे आई फील कि यार हम थोड़ा सा लाइनअप को चेंज कर रहे हैं ये है मेरा लाइनअप जो मुझे लगता है कि इंडिया शुड यूज अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं है बट थोड़े से सेल चेंजेस मैंने यहां कर रखे हैं पहले तो गोलकीपर में अमरिंदर सिंह स्टार्ट करेंगे ठीक है प्रीतम कोटाल झिंगन अन्वर अली एंड बोस मेरे ऊपर में हो सकता है कोटाल एंड बोस को वापस से टीम में लाएंगे मैच हम डिफेंसिव पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं करेंगे झिंगन एंड अली हैज टू प्ले थापा सहल एंड मैं रोहित को स्टार्ट करते देखना चाहता हूं सी रोहित प्ले द फुल मिनट्स यार इसके बाद ऊपर अब टॉप मुझे लगता है छेत्री

ठीक है दिस इज मतलब हमारा डबल प्रियोटो होगा रईस नबी और अली उजैर हो सकते हैं वहां पे मैं वैसे yeah. चाहूंगा कि वहां पे आलिंगीर खेलने मेरी नजर में रईस नबी को मिडफील्ड में नहीं खेलना चाहिए छांगते को अगर कोई आदमी रोक सकता है पाकिस्तान के अंदर वो अब्दुल्ला इकबाल है जो कि हमारा डायस्परा प्लेयर है और डायस्परा प्लेयर्स हमारे साथ खेलेंगे हमारी मेन स्ट्रेंथ क्या है हमारे डायस्परा प्लेयर्स वोटिस खान एक मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है मैं पूछना चाहूंगा ओटिस खान ग्रिम्सबी टाउन में लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेलता है उसके मैनेजर की क्या फिलॉसफी है लॉन्ग बॉल फुटबॉल हमारे मैनेजर की क्या फिलॉसफी है योहान क्रॉयफ क्रूफिज्म तो कितना टाइम लग सकता है आपके मुताबिक उस फिलॉसफी से इसमें इंटीग्रेट करने में तीन मैच में तो नहीं हो सकता ओटिस ने इसके दो मैच खेले पाकिस्तान के लिए सिर्फ दो मैच जी ईशान भाई इसके अलावा और हमने देखा कि काफी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान गया है। एक तो ओटिस खान है। की टीम क्या, प्लेयर्स। 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 क्या ये सारे प्लेयर्स हाँ। एक साथ पॉइंट ऑफ टाइम पे खेल रहे हैं इसमें से जो दो है ना यूसफ बट ही कैप्स फॉर पाकिस्तान और हसन बशीर जो है वो उनके पास आई थिंक फोर कैप्स है पाकिस्तान के लिए साढ़े तीन साल देखें आपको ये देखना होगा कि साढ़े साल हमारे ऊपर बैन रहे। हम बैन रहा है हम के बाद वापस तो 16 नवंबर को हम वापस आए हैं 16 नवंबर पे में हमने नेपाल से खेला फिर मालदीव से खेला अब ये तीन मैच मैच खेले टोटल पांच मैच इन लड़कों ने साथ पांच मैच भी नहीं खेले हुए दो मैचेस खेले हुए हैं एक साथ इन सारे लड़कों ने सारे लड़कों ने इसमें ओटिस खान भी है जो हमारी दूसरी स्ट्रेंथ है जो मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो हमारी सेंटर बैक पेयरिंग है जैसे आपका अनवर अली और जिंगन सिंह है डाउट ये हमारा ईसा और अब्दुल्ला है ईसा 25 साल का ईसा 20 का कैप्टन भी रह चुका है इंग्लैंड अंडर ट्वेंटी इंग्लैंड अंडर ट्वेंटी तो ये दो जो है ना अगले 10 साल तक पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं बट दे मस्ट कीप ऑन प्लेइंग मैचेस हमारा टारगेट क्या है हमने वर्ल्ड कप

कि हम बॉल को ड्राइव कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से हम फाइनल एरिया के अंदर पहुंच रहे थे लेकिन उसके बाद क्या करना है पास करना है शूट कब करनी है और फिनिश तो हो ही नहीं रही थी लेकिन बाकी दो चीजें भी नहीं हो रही थी दैट वाज द मेन इशू और मैंने आपको डिफेंसिव इशू तो बता एंड सो गाइज दट वॉज दैट आई थिंक काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोग को मिल गई होगी पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में भी एंड इंडियन फुटबॉल के बारे में हम रेगुलरली बात करते रहते हैं यहाँ पर ये अ मैच वुड नॉट बी अ डेफिनेशन ऑफ अस बट इट वट इट वुड बी अूज प्राइड वाली फीलिंग फॉर अस ठीक है यार हमें एक uh, uh, हमें पाकिस्तान को डिफीड करके नेपाल एंड कुैत को डिफीड करके जो कि हमारे ग्रुप में है बहुत ज्यादा बहुत खुशी मिलेगी मेरा टारगेट है कि यार हम इस टूर्नामेंट में भाई टॉप आएँ पहले तो ग्रुप में यार देखो ये टूर्नामेंट इज अट टफर दैन इंटरकॉन्टिनेंटल कप ठीक है आप जो यहाँ

मेरे उपीन में कुवैत को हराना हमारे लिए बहुत बड़ा एम होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट गेम विल बी इंडिया वर्सेस कुवैत यार स्टिल माय मनी वुड बी ऑन इंडिया टू डिफीट देम बट एक हार्ड फोर्ट विन हमें मिलनी होगी काफी ज्यादा टफ गेम होगा हमारे लिए बट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान देन विल गो ऑन टू नेपाल एंड देन एंड में हम खेलेंगे कुवैत के अगेंस्ट सो गाइज अगेन दिस टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सब कुछ लीड करता है टू द एशियन कप जहां पे हमारे अगेंस्ट होगी ऑस्ट्रेलिया सीरिया एंड उजबेकिस्तान सब कुछ डिपेंड करता है ये आने वाले छह सात महीनों पे हमें अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है सो गाइज ऑल बैक टीम इंडिया सब बंदे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन इस पॉइंट टाइम पे जय हिंद एंड ब्लीड ब्लू एंड लेट्स गो ऑन एंड सपोर्ट इंडियन फुटबॉल भाई मेरा प्रोडिक्शन अबाउट दिस गेम आई डू फील कि पाकिस्तान के पास वो नेसेसरी नेसेसरीविपमेंट्स है टू हर्ट अस दे हैव गॉट सम क्वालिटी प्लेयर्स बट देन क्वालिटी ऑन द पिच काफी ज्यादा गैप है भाई और ना पाकिस्तान में भी ऑनेस्टली बहुत बड़ा गैप है बट वी हैव टू शो दैट ऑन द पिच अगर जो सुप्रीमेसी है हमारी हमें वो दिखाना है बट भाई एक चीज याद रखना पाकिस्तान के लिए ये एक ब्रेकिंग राइट्स होगा अगर वो किसी तरीके से इंडिया के गेस्ट एक ड्रॉ भी ले लेते हैं भाई तुम यकीन नहीं मानोगे दे विल सेलिब्रेटेड एज अ विन एंड मेरे ओपिनियन में दे विल बी गोइंग इन दिस गेम वॉन्टिंग टू गेट अ ड्रॉ मैं होप कर रहा हूँ एक डिफेंसिव यूनिट हमें देखने को मिलेगी एक फोर फाइव वन में काफ़ी कॉम्पैक्ट काफी नैरो खेलेगी पाकिस्तान डिफेंसिव ओरेंटेशन उनको स्ट्रॉन्ग अपना रखना होगा एंड हमें चांसेज लेने हैं हमें शॉर्ट्स लेने हैं वी वॉन्ट टू वी वॉन्ट टू ट्राई एंड टेस्ट द गोल कीपर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम टेस्ट आउट करें कीपर को शॉर्ट लें चांसेज बनाएं क्रॉसेज डालें डेंजरस एरियाज पे प्ले करें एंड आई वॉन्ट अ कोर्स टू बी साउंड सेकेंड हाफ में जब हम देख रहे हैं एक फॉर्मेट वर्क नहीं कर रहा है सब्स्यूशन करो चेंजेस करो एंड लेट दी अदर प्लेयर्स गेट सम मिनट्स इज वेल सो गाइस दिस गेम इज गोइंग टू बी फन फॉन बी इन द स्टेडियम मैं एंजॉय करूंगा आप लोगों के लिए मैं पूरा व्लॉग लाऊंगा कवर करूंगा एवरीथिंग फ्रॉम बैंगलोर एंड नेक्स्ट डे आपको व्लॉग जरूर से चैनल पर मिलेगा सो गाइज डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सिमिलर कंटेंट फॉर यू गाइज एंड जरूर से वीडियो को लाइक करना भाई साहब मिलता हूं मैं आप लोगों से वेरी सुन तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट